लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो अब ये देखिए अपने आपका क्वेश्चन इस प्रकार का है कि यू आर गिवन सम एक्स, गिवन सम फीचर वेक्टर एक्स, एक्स है। ठीक है, अपने पूरे एग्जांपल्स में उसमें ये था भाई एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ किचन, लोकेशन। ठीक है, तो जो भी आपका इनपुट है, अब देखिए ये इनपुट अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें फोर रोज हैं, वन कॉलम है, तो आपका इनपुट जो है बेसिकली फोर क्रॉस वन साइज का है। तो गिवन एक्स, अब ये एक्स कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक इमेज रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं तो आपका जो एक्स है ये एक पिक्सल वैल्यूज का सेट भी हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी इमेज है। ठीक है, मान लीजिए इमेज आपकी है ग्रे स्केल, ग्रे स्केल यानी कि बेसिकली ब्लैक एंड वाइट इमेज है। अब और मान लीजिए 100 पिक्सल क्रॉस 100 पिक्सल की है, तो अब आप इसके इसमें इसमें कितने इनपुट्स हो जाएंगे, ये इसमें जो आपके फीचर वेक्टर एक्स है ये बेसिकली आपके टोटल पिक्सल कितने हुए, देखिए टोटल पिक्सल हुए 100 × 100 10,000, तो आपका पिक्सल वन की वैल्यू, फिर पिक्सल टू की वैल्यू, ऐसे करते करते आप आ जाइए पिक्सल 10,000 की वैल्यू। तो आपके ये जो फीचर वेक्टर हुआ इसकी अपने साइज कितनी हुई, इसकी साइज हुई 10,000 × 1। तो आपके ये जो एक्स है बेसिकली इस एक्स का जो है कुछ फिक्स नहीं है, ये कितनी भी डायमेंशन का हो सकता है लेकिन इट विल बी एन क्रॉस वन। ठीक है, एटलीस्ट अभी तक तो, अभी तक तो इनफैक्ट हमेशा ही एन क्रॉस वन होगा, वो हम उसको उस फॉर्म में ले आएंगे। चलिए पर ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो अब आपका जो एक्स, अब जब क्लियर हो गया है कि अगर इमेज होगी तो ये 1,000 × 1 10,000 × 1 भी हो सकता है, अगर मान लीजिए आपकी पिक्सल इमेज चेंज हो जाती है, अब ये 100 की जगह ये 200 हो जाता है तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20,000 × 1। तो डिपेंडिंग ऑन आपका इनपुट कितना है ये एक्स उस पर डिपेंड करेगा। गिवन एक्स आर एल्गोरिदम शुड आउटपुट वाई हैट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, आर एल्गोरिदम शुड आउटपुट वाई हैट। वाई हैट क्या है, वाई हैट इज प्रिडिक्शन ऑफ आर एल्गोरिदम। ठीक है, और तो एक्चुअल में वाई हैट क्या है मैथमेटिकली, वाई हैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज इक्वल टू वन गिवन एक्स। ठीक है, आप हमने बात की थी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेसिकली मतलब यह है कि अपन आंसर जो करेंगे यस नो में करेंगे, गिवन दिस पर्टिकुलर इनपुट, अगर हम गिवन दिस पर्टिकुलर इनपुट अगर हमारा क्वेश्चन है कि क्या इसकी इस पर्टिकुलर हाउस की कीमत जो है 50 लाख से कम है या ज़्यादा है, तो अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो हम आउटपुट करेंगे वाई हैट इक्वल टू वाई इक्वल टू वन, और अगर कम है तो हम करेंगे 0। तो अगर कम है बेसिकली 50 लाख से कम है तो अपना वाई उस केस में होगा 0, लेस देन 50 लाख पे वाई इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लाख पे वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमको आउटपुट करना है वाई हैट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, गिवन एक्स वी हैव टू आउटपुट वाई हैट विच इज जस्ट दिस प्रोबेबिलिटी। अब अपने पास क्या क्या है, देखिए अपने पास जो इनपुट है एक्स, ये स्मॉल एक्स है, दिस इज इन अ एन एक्स डायमेंशनल स्पेस। ठीक है,
nx, क्योंकि आपके पास जो है जितने भी नंबर ऑफ x, ये nx बेसिकली नंबर ऑफ x, तो इस केस में nx क्या है अपना, इस केस में अपना nx है 4, ठीक है. इन दिस केस nx इक्वल टू 4, इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस nx इक्वल टू 10,000, ठीक है, 10k. अगर ये 200 होता तो इन दिस केस nx इक्वल टू 20,000 एंड सो ऑन. तो अपना x जो है ये रहा. अब अपने पैरामीटर्स क्या हैं, जो पैरामीटर्स हैं इस केस में वो हैं वेट्स, ठीक है, जो कि लाई करते हैं अगेन r टू दी एन एक्स में. एंड एक पैरामीटर और है b विच लाइज इन r. r क्या है यहां पे, ये r है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है. सिमिलरली ये आर भी सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो अब देखिए ये अपना अगर न्यूरल नेटवर्क है, ये अपने इनपुट रहे, एक ही आउटपुट होगा इसमें, तो ये सारे, ये हमने गोल जरूर बना दिए हैं लेकिन ये सारे x1 टू xn हैं. तो अब इसका आउटपुट अपन कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका आउटपुट अपन सिंपल ऐसे कंप्यूट करते हैं, w1x1 प्लस w2x2 प्लस डॉट 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 ऑल अंटिल wn, wnxn. ये तो लीनियर पार्ट वाला हो गया. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसका सिग्मोइड ले लेते हैं. अब जो सिग्मोइड लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, तो उसको हम बेसिकली y हैट. देखिए ये जो कंप्यूट हो रहा है, ये चीज जो कंप्यूट हो रही है, ये ही y हैट है, ठीक है. और इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ये जो अंदर वाला जो लीनियर पार्ट है इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं wtx. लेकिन चूंकि बायस भी है, सॉरी यहां पे प्लस b भी होना चाहिए था, क्योंकि बायस भी है प्लस b. फिर इसका आप सिग्मोइड ले लीजिए. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, बस वो यही कहता है. अब ये wtxb कहां से आया, ये देखिए, अगर आप w1 w2 w3 wn, ये कैसे हैं अभी आप ये देखिए, ये यहां पे हैं सारे एंड सो ऑन. तो ये बेसिकली एक वेक्टर के रूप में है, w1 एंड सो ऑन अंटिल wn. तो ये आपका कैपिटल w है. जब आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो अभी कॉलम नहीं होके ये एक रो बन जाएगा. तो w1 एंड सो ऑन अंटिल wn, तो आपका w ट्रांसपोज जो है वो ये हो जाएगा. w ट्रांसपोज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, x क्या है देखिए, ये रहा. W की डायमेंशन क्या है, W की डायमेंशन हमने यहां पे देखी है, इट इज आर एन एक्स. एक्स की डायमेंशन क्या है, एन एक्स. तो बेसिकली अब ये एक रो वेक्टर है, ये एक रो वेक्टर है, एक्स एक कॉलम वेक्टर है, तो ये सब मल्टीप्लाई होके आपको ये वाला पार्ट देंगे, जिसमें अगर आप प्लस बी भी कर देंगे तो ये वाला पार्ट आपको यहां से आएगा, प्लस बी आपन ने ऐड किया है. एंड देन अब वो जो भी वैल्यू आई है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस पर जब आप सिग्मोइड ले लेंगे तो आपको वैल्यू देगा बिटवीन 0 एंड 1, विच इज आपका प्रिडिक्शन वाई हैट जो आप चाह रहे थे. तो ये वाई हैट हम बस इसी तरीके से निकालेंगे. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया है, उसमें कोई हिडन लेयर नहीं है.
तो जिस न्यूरल नेटवर्क में कोई हिडन लेयर नहीं है और वो 0 से 1 प्रिडिक्ट करता है, दैट इज़ बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन. थैंक यू.